फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। आज की इस वीडियो में मैं आपको कान्हा जी की वुलन कैप बनाना सिखा रही हूँ क्रोशिए के साथ। हमारी वीडियो में जो लोग नए हैं, हमने अपनी पिछले सीजन में जो वीडियोस अपलोड करी थी, हम ये कैप भी उसी वे से सिखाएंगे। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी पिछली वीडियोस भी देखिए, ताकि आपको जो स्टेप बाय स्टेप क्रोशिया है वो भी अच्छे से चलाना आ जाए। आज की जो हम वीडियो में कैप बनाने वाले हैं, बहुत ही इजी कैप है। हमने इसमें रेड और व्हाइट कलर, दो कलर यूज किए हैं। ईयर्स वाली कैप बनाएंगे और मैं लास्ट में आपको एक पिक भी शो करूंगी कान्हा जी की। आप किसी भी कलर में इस तरह की कैप बना सकते हैं। पहले हम इस तरह से फंदा बनाएंगे और हमने स्टार्टिंग में यहाँ 6 की चेन बनानी है। इस तरह से एक नोट लगा लीजिए और इस तरह हम चेन बनाएंगे। हमने अपनी जो स्टार्टिंग में वीडियोस बनाई थी उसमें बताया हुआ है ये चेन कैसे बनाते हैं। फिर भी आपको यहाँ मैं एक बार दिखा रही हूँ, बहुत ही इजी है चेन बनाना। आप 7 की चेन बना लीजिए। इसके बाद हमें जो लास्ट वाला फंदा है इसमें से निकालेंगे और एक रिंग बना लेंगे। इस तरह से निकाल लेंगे, ये देखिए एक छोटा सा रिंग बन गया है और ऊपर हमने एक की चेन बना देनी है। इस तरह से आएगा। इसके बाद हमें यहाँ डबल क्रोशिया करना है। डबल क्रोशिया हम जैसे करते थे उसी तरह से कर रहे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप एक बार फिर से देख लीजिए। यहाँ पर 3 फंदे हो जाते हैं जब डबल क्रोशिया करते हैं, 3 का 2 और 2 का हम 1 कर देते हैं। इस तरह से डबल क्रोशिया हमने इस पूरे रिंग में से करना है, जब तक राउंड कंप्लीट होके जहाँ से हमने स्टार्ट किया है वहां तक ना आ जाए। इस तरह से हम यहाँ डबल क्रोशिया करते जाएंगे, 3 का 2 और 2 का 1। ये हमारी एक रो इसके साथ ही कंप्लीट होगी। यहाँ जो हम कैप बना रहे हैं, ये कैप 2 से 3 नंबर तक के कान्हा जी को आ जाती है। अगर आप अपने छोटे कान्हा जी के लिए कैप बनाना चाहते हैं तो आप कम चेन के साथ बनाइए, और अगर बड़े कान्हा जी के लिए बनाना चाहते हैं तो वे सेम है, बस हमें चेन जो है वो बढ़ा देनी है। देखिए डबल क्रोशिया करते हुए हमने अपनी फर्स्ट रो कंप्लीट कर ली है। अब देखिए यहाँ लास्ट पे आके हम इसे बंद कर देंगे, जो लास्ट वाला हुक है इसमें बंद कर देंगे हम इसको। अब इससे अगली जो रो हमने बनानी है उसमें भी हमने जितनी भी चेन्स बनाई है इसमें हमने डबल क्रोशिया ही करना है। यहाँ ऊपर हमने एक चेन डालते हुए बाकी सारी चेनों में डबल क्रोशिया करते जाएंगे, और ये जो सेकंड रो है कैप की इसे भी हमने इसी तरह से कंप्लीट करना है। डबल क्रोशिया इसी तरह से करना है, 3 का 2 और 2 का 1। ये हमने हर चेन में करना है, कोई भी चेन जो है स्किप नहीं करनी है। जो हमने फर्स्ट रो बनाई थी डबल क्रोशिया की वो बेस बना था इस कैप का। अब जो सेकंड रो बना रहे हैं इससे कैप की जो राउंड शेप है वो इजीली आनी स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर हमारी सेकंड रो भी है जो कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद जो थर्ड रो है, इस थर्ड रो में हमें व्हाइट कलर का धागा अटैच करना है। यहाँ हम व्हाइट कलर की उनको अटैच करने वाले हैं। अगर आप एक ही कलर की कैप बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। हमने यहाँ 2 कलर लिए हैं, ये काफी अच्छे रहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर हम ईयर्स बनाने वाले हैं तो वो व्हाइट कलर के साथ जब हम उसको किंगरी बनाएंगे तो ज्यादा अच्छी लगेगी। इस तरह से व्हाइट कलर का धागा हमने अटैच कर लिया है और नेक्स्ट रो हमने स्टार्ट की है। इस रो में भी हम उसी तरह से डबल क्रोशिया ही बना रहे हैं। थर्ड रो भी हमारी, हमने यहाँ पर एक ही रो बनाई है व्हाइट कलर की, ये जो सेंटर में आएगी कैप के, और ये भी डबल क्रोशिया वाली लाइन ही है। अब इसके बाद हमारी यहाँ पे व्हाइट कलर की रो जो है कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट रो भी हमने रेड कलर के धागे के साथ ही बनानी है, तो यहाँ से हम रेड कलर की जो रो है इसे ज्वाइन कर लेंगे। और जो अगली रो है वो भी हमने फोर्थ रो, इसको भी हमने डबल क्रोशिया के साथ ही कंप्लीट करना है। तो ये हमारी जो है लास्ट रो है कैप की। इसके बाद जो कैप का बेस है वो रेडी हो जाएगा। इसके ऊपर के लिए जो हमने ईयर्स बनाने हैं इसके बाद हम वो बनाएंगे।
तो इस लास्ट रो को भी डबल क्रोशिए के साथ कंप्लीट कर लीजिए। ये देखिए कान्हा जी की कैप रेडी है। अब इसके लिए हमने ईयर्स बनाने हैं। नेक्स्ट हमें इसके साथ ईयर्स बनाने हैं। इस तरह का ईयर बनाएंगे। हमने यहाँ एक बना के रखा है, एक मैं आपको बता दूंगी किस तरह से बनाना है। इसे हमने कैप के साथ अटैच करना है। इस कैप के अकॉर्डिंग ईयर्स में हमने यहाँ 5 की चेन बनानी है। 5 की चेन बनाने के बाद अब एक लूप छोड़ के दूसरे लूप में हमने यहाँ डबल क्रोशिया करना है। डबल क्रोशिया उसी तरह से 3 का 2, 2 का 1। इस पूरी कैप में ज्यादा जो वर्क है वो डबल क्रोशिए का ही हुआ है। इसी तरह से एक एक लूप छोड़ते हुए हमने यहाँ डबल क्रोशिया कर दिया है। यहाँ हमने ये जो ईयर है रेड कलर के धागे से स्टार्ट किया है। इसके साइड पे जो हमने किंगी बनानी है वो हम व्हाइट कलर के थ्रेड को यूज करते हुए बनाएंगे। ये इस तरह से आया है। यहाँ पर हमने 5 की चेन बनाई थी। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, जो फर्स्ट वाली चेन है उसके बाद की एक चेन छोड़ते हुए हमने थर्ड चेन में यहाँ डबल क्रोशिया किया था, और उसके बाद की जितनी भी चेन है उन सब चेन्स में हमने डबल क्रोशिया करके इस तरह का लूप तैयार कर लेना है। अब इसकी साइड पे हमने व्हाइट कलर का थ्रेड अटैच करके उसके साथ किंगरी बनानी है। जहाँ पर हमने धागा अटैच किया है व्हाइट कलर का, वहां पर हमने यहाँ एक की चेन बनानी है। एक की चेन बनाने के बाद इसको टर्न कर लेंगे और आगे जितनी भी हमने ये राउंड चेन्स बनाई है इसमें हमने सिंगल क्रोशिया करना है। डबल क्रोशिए में तो हम 3 का 2 और 2 का 1 कर रहे थे, अब सिंगल क्रोशिए में हमने यहाँ सिर्फ 2 का 1 ही करना है। जब हम इस चेन में इस तरह से क्रोशिए को इंसर्ट करेंगे, व्हाइट कलर का धागा लेंगे या 2 फंदे हो गए, 2 का हमने 1 कर देना है। बस इसी तरह से हमने इस पूरे राउंड को कम्प्लीट कर देना है। यहाँ एक ही रो बननी है बस व्हाइट कलर की, इससे जो ईयर है ये कम्प्लीट हो जाएगा। ये रैबिट स्टाइल कैप भी आप कह सकते हैं, बहुत प्रिटी लगती है जब कान्हा जी को पहनाएंगे। इस तरह के दोनों ईयर्स जो हैं ये बनकर रेडी हो चुके हैं। अब ईयर्स के नीचे जो हमने धागा कट करके छोड़ा था, ये जो हमारी कैप के ऊपर की तरफ हमने एक लूप बनाया था, इस लूप के अंदर हमने जो धागे इंसर्ट करते हुए अंदर से नोट लगा के इसको हमने ईयर्स को दोनों तरफ अटैच कर देना है। ये कैप बनकर रेडी है। आपको ये आइडिया कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।